इसलिए जिनको वेद में कहता है भगवान असमर्थ तत्व। असमर्थ मतलब जिनसे बड़े की बात छोड़ दो, जिनकी बराबर भी जगत में कोई नहीं। तो तू कह रहे हो मेरे जैसे बेटा, मेरा तो कोई होता ही नहीं मेरे जैसे। बोले ठीक है, तुम्हारी भक्ति में मैं संतुष्ट हूँ, मैं ही अगले जीवन में तेरा बेटा बन गएगा। वही जो कृष्ण सुतपा वो देवकी वसुदेव रूप में आए और भगवान अजन्मा होते हुए भी ठाकुर जी उनकी कोख से ठाकुर जी जन्म ग्रहण किए हैं। कभी दूसरा कारण है। बोले तीसरा कारण क्या? बोले ये द्रोण और धरा, ये भी द्रोण राजा और रानी थे। ये लोग पितामह ब्रह्मा जी को इन लोगों ने आराधना की। जब ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए बोले ब्रह्मा को, बोले प्रभु जैसे एक स्वाभाविक रूप में बच्चा माँ की कोख से जन्म लेता है, अब मेरे कोख से जन्म लेता। जैसे बच्चे अगर कोई उल्टा पुलटा करते भैया क्या डांट लगाती है, डपटती है, शासन करती है, तान मोल देती है, ऐसे ही मैं चाहता हूँ। यद्यपि आप भगवान हैं, मैं चाहता हूँ भगवान मेरे पुत्र बन करके आए और उसको मैं गोद में लेकर के लाल लड़ाऊँ, स्तन पान कराऊँ, उसको मैं झूला में झूलाऊँ। हैं इसलिए जब वो ही क्या हुए, बोले ये नंद और जसोदा बन करके आए और भगवान होते हुए भी कोख से जन्म लिए और ठाकुर को पलना में झुलाए और उनको लाड लड़ाए ठाकुर जी। हैं इसलिए कितना कारण हो गया? तीन कारण हो गया। सब गिनना जो बोलेगा गीता दुर्गा होते थे। हाँ, इसकी चौथा कारण बताए भगवान क्यों जगत में जन्म हुए हैं। चौथा कारण बताए, आप लोगों ने कल दर्शन किया भगवान कैसे वामन बन करके आए। इसलिए बलि महाराज की एक बेटी थी जिसका नाम थी रत्नमाला। माताओं का एक स्वभाव, क्या स्वभाव? अगर कोई सुंदर किसी बच्चे को देखे ना, उनको इच्छा करता है इसका हम गोद में ले, उसका हम भी प्यार करें, ये माताओं के स्वभाव है। अब इनकी बेटी भगवान को देखा कितने सुंदर, बोले अगर ये मेरे बेटा बन करके आते तो मैं दिन भर इसको गोद में लेकर मैं लाड़ लड़ा, इसको मैं प्यार करती। भगवान बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे में बेटा बन ही जाऊंगा। लेकिन जब भगवान दो पग में विश्व ब्रह्मांड का नाप लिया, अभी तीसरे पग रखने के लिए कोई स्थान ही नहीं। बोले बलि बड़ा ठीक यहाँ करा था, इतने में दान दूंगा कहीं तुम्हें झोली पसारने का जरूरत नहीं, बताओ मैं तीसरे चरण कहाँ पर रखूं। तो उन्होंने वरुण को बुला करके उन्होंने उनको नाग खास बंधन में बांध दिया। उनको बेटी को तो बड़ा क्रोध आया, तो बड़ा दुष्ट है, सब कुछ मेरे पिताजी को हड़प लिया, फिर मेरे पिताजी को वरुण पास में बांध दिया। बोले अगर तुम मेरे बेटे बन करके आओगे ना, तेरे को मैं दूध क्या पिलाऊंगी, तेरे को मैं बीज पिलाऊंगी। इसलिए वही जो रत्नमाला कृष्ण लीला में क्या बन करके आगे बताओ। हाँ सब पंडित बैठे, अच्छा इसलिए उसने वह वो पुतना बन करके आई और ठाकुर जी को उन्होंने गोद में भी लिया और ठाकुर जी की स्तन भी उन्होंने पान किए। ठाकुर जी स्तन भी नहीं, वो स्तन में जहर भर करके लेकर आ रहे थे। यदि ये भी एक कारण है, कितना हो गया? चार हो गया। पंचमा कारण है, जब भगवान राम लक्ष्मण सीता वनवास में गए, अभी सुपर्ण था जब प्रभु राम को देखा, क्या सुंदर रूप ठाकुर जी की, उनका रूप देख कर भी इतने बाबरी बन गई, मन मन में ही पति रूप में प्रार्थना की, ये जैसे मेरे पति बने और बड़ी सुंदरी बन करके ठन बन करके आई। बोले राम मैं जितने सुंदर ही हूँ तू भी इतना सुंदर है, हमारी जोड़ी बड़ी प्यारी, हमसे प्यार कर ले। इतने में सीता जी आए, बोले मेरे से ऑलरेडी मेरी पत्नी है। बोले इसकी शरीर में क्या रखी, ये मानव ही है, हड्डी हड्डी देख मैं कितने सुंदर हूँ, मेरे से शादी कर ले। बोले रघु कुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए गुरु वचन न जाए, हम एक पत्नी को छोड़ करके दूसरे पत्नी ग्रहण नहीं करते, मैंने प्रतिज्ञा की सीता जी के पास में। नियम है राजा पहले जैसे दशरथ महाराज का तीन पत्नियां थी, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, लेकिन आप रामायण देखे होंगे भगवान राम ने बोले सीते यद्यपि हमारी परंपरा में राजा बहुत शादी कर सकते हैं, लेकिन आज मैं प्रतिज्ञा करती हूँ तेरे सिवाय और मैं किसको ग्रहण
नहीं करो। बोले सीता को मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। इतने में लक्ष्मण गया था लकड़ी लेने के लिए। जब लक्ष्मण आया बोले ये कौन है? बोले मेरे छोटे भैया। बोले ये तो बड़े सुलीली है, बड़े सुंदर है, इससे मैं शादी कर सकती हूँ। बोले तेरे जैसे मनमान को कौन रोक सकता, पूछ करके देख ले। जब लक्ष्मण के पास में गई, लक्ष्मण बोले अभी मैं देख रही थी तू बड़े भैया से कुछ प्रार्थना कर रही थी। बोले उसने मेरे प्रेम को समझा नहीं, तू समझोगे मेरे प्रेम को, इसलिए मेरे से ब्याह कर ले। बोले ये बताओ तू रानी बनना चाहती हो ना दासी? बोले रानी? बोले तो मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, मेरे से शादी करोगे ना जिंदगी भर सेवा करते करते थक जाओगे, और तू कहाँ राज रानी बनने की स्वप्न देख रहे, जा प्रभु राम के पास में जाओ। फिर भगवान इनकार कर दिए। सुपर्णा का बोले तुमको पता है मैं कौन हूँ? मैं प्रार्थना करने वाली नहीं, मैं रावण की मैं पत्नी हूँ। ये सीता जितने गड़बड़ी कर रही है, हैं? अब लोग तुम लोग मेरे प्रेम को ठुकरा रहे हो, ये सीता को भी मैं खा लेती हूँ। जब उसने खाने के लिए गई, भगवान लक्ष्मण को निर्देश दिया इसके नाक कान काट दो, और लक्ष्मण नाक कान काटती है। अभी प्रश्न है भैया उसको शादी नहीं कर रहा था, नहीं कर उसको नाक कान क्यों कटवा दिया, इसका क्या रहस्य है? और नाक कान किसने कटवाया? राम ने। किसको द्वारा कटवाया? लक्ष्मण। कहते कारण है कि अगले कारण है कि जो लक्ष्मण है ना ये गुरु है। गुरु का काम होता है जीव को उपयुक्त बना करके भगवान की सेवा में लगा। लक्ष्मण गुरु जी है, वो समझ गए ऑलरेडी ये जो सुपर्ण का प्रभु राम के हृदय में बैठा चुकी है ऑलरेडी बैठा चुकी है। इसलिए जगत में एक स्त्री जितने सुंदरी क्यों नहीं हो, उसकी नाक और कान काट कर बताओ उसका शादी हो नहीं करेगा, कोई इसका स्वीकार करेगा? इसलिए भैया तो राम की बन करके रहो और किसकी बन करके रहना नहीं। इसलिए उन्होंने नाक कान कटवा दिए कि वो गुरु जी। दूसरा कारण है, अच्छे तरह समझो, भगवान अगर कृष्ण को पाना है ना, जब तक श्री किशोर जी की कृपा नहीं हो, राधा रानी की कृपा नहीं हो, ठाकुर को कोई भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आप वृंदावन में जाओ देखना, कोई कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं। किसका नाम लेते हैं? जोर से बोलो, और जोर से, क्योंकि राधे राधे लौटो चले आएंगे बिहारी। जब तक राधा जी की कृपा नहीं हो, कृष्ण कृपा नहीं करते। लेकिन ये सुपर्ण का क्या चाह रही थी? सीता जी को प्रभु से अलग करना, जो उनकी शक्ति है ना, उनको अलग करना चाह रही थी। अरे भैया जब तक माता सीता की कृपा नहीं हो, राम कैसे मिलेगा तुमको? अब तुम उनको ही प्रभु से अलग करना चाहती हो, प्रभु को भी मिल सकते हैं? कभी मिल ही नहीं सकते हैं। इसलिए लक्ष्मण ने क्या किया, नाक कान कटवा दिए। फिर वही कृष्ण लीला में बता दो क्या बनकर क्या है? कौन बोलेगा? हाथ उठा, कौन बोल रहे हैं? हाँ, इनको ही दिखा देंगे, ये पिछले सही कर दिया है। कहते ये कुब्जा बन करके आई, लेकिन तभी वो कुबड़ी बनी थी। कहते तभी वो कुबड़ी बनी रही है, वो कुबड़ी बनी रही। इसलिए बोले कुबड़ी क्यों बन करके रही है? कारण क्या है? बोले कारण है उन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए इच्छा की ना, इसलिए ठाकुर जी जब मथुरा में आए, जिस गली में भगवान प्रवेश करते हैं, बोले श्री कृष्ण बलराम की, जोर से बोलो, बोले श्री कृष्ण बलराम की। अभी जिस गली में जा रहे कृष्ण बलराम की जय जयकार हो रहा है, जय जयकार हो रही थी। इतने में सुपर्णा जा रही थी, कुब्जा जा रही थी चंदन लगाने के लिए, किसको? कंस को, उसका ड्यूटी थी रोज चंदन लगाएगी। इतने में वो जा रही थी चंदन लेकर के, इतने में भगवान राम दूर से देखे, बोले ओ सुंदरी सुंदरी। बोले मेरे को सुंदरी सुंदरी कौन कह रहा है? क्योंकि तीन जगह से टेढ़ी थी ना, कभी कभी आता है इनका रूप देख करके बच्चे भाग जाते डर के मारे। लेकिन ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं? ओ सुंदरी। बोले सुंदरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब राम रूप में आए थे प्रभु, उसी समय में ये बड़ी सुंदरी बन करके आए थे। अरे बोली मैं जितने सुंदर तू भी इतने सुंदर हो, इसलिए मेरे को स्वीकार कर लो। इसलिए अंदर में तो सुंदरी है ही है, ऊपर से कुबड़ी है।
बोली मेरे को सुंदरी सुंदरी कौन बोल रही है। इतने में देखा भगवान कृष्ण बोले हमें भी थोड़ा श्रृंगार करोगे, बोले आपको नहीं करूंगी तो मैं किसकी करूंगी। इतने में उन्होंने कृष्ण बलराम दोनों भैया को बड़े सुंदर चंदन से श्रृंगार और बड़े सुंदर तिलक लगा दी। जब तिलक लगाए इतने में सखा उन्होंने बोले कन्हैया तू तो केवल लेना ही जानते, देना क्यों सीखा नहीं। बोले क्यों, बोले देख ये तीन जगह से टेढ़ी है। तो भैया जोड़ी तो बड़ी प्यारी, मैं भी टेढ़ा हूँ, ये भी तीन जगह से टेढ़ी, मैं भी तो टेढ़ा हूँ हैं, इसलिए जोड़ी तो बड़ी प्यारी है। बोले ठाकुर जी इसको तो सही कर दो। इतने में कृष्णा एक प्यार में एक प्यार रखे, थोड़ी पर एक हाथ रखे, कमर में एक हाथ रख करके ऐसे झटका मारी, पूरा प्लास्टिक की सर्जरी कर दी ठाकुर जी, पूरा प्लास्टिक की सर्जरी कर दी। और भगवान की हाथ स्पर्श होते ही वो इतने सुंदरी हो गई। भगवान स्पर्श किया ना त्रिभुवन की जैसे सुंदरी हो गई, इतनी सुंदरी हो गई, अपना रूप जौवन को देख कर संभाल नहीं सकी। इतने में उसने कृष्ण की दुपट्टा पकड़ ली, बोले प्रभु ये रूप आप ही नहीं दिए हो, इसको आप ही भोग कर सकते। इतने में कृष्ण बोले तेरे शर्म नहीं लग रही, ताऊ भैया खड़े सामने जेठ, और जेठ को सामने कपड़े पकड़ कर खींच रही हो, ऐसे नहीं, जब मैं कंस को उधार करके आऊंगा फिर तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। इसलिए ठाकुर जी उसको ऊपर में भी कृपा की। कितने कारण हो गया, पांच हो गया, अभी दस नहीं हुआ। बोले छठवां कारण बताए, बोले जिस समय भगवान राम पहुंचे दंडकारण्य में, वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग वो वेद का जो मंत्र के उपासना कर रहे थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग बड़ी कठोर उपासना कर रहे थे, कृष्ण मंत्र की उपासना कर रहे थे, लेकिन उनकी मन में उत्साह नहीं, मंत्र में सिद्धि नहीं हो रही थी। इतने में जब भगवान राम पहुंचे, राम और श्याम एक ही है, अभी उन्होंने राम को देख करके श्याम किया था, बोले प्रभु आप हमें कृपा करके अपना गोपी रूप में स्वीकार करो। भगवान राम बोले नहीं ऋषियों, ये अवतार में तो सीता का सिवाय किसको मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, तुम अगली जीवन में तुम लोग सबके सब गोपी बन कर गया, फिर तुम्हारी इच्छाओं को मैं पूरी करूंगा। इसलिए जो गोपियां हैं ना ये कोई साधारण लड़की मत समझो, ये साधारण स्त्री नहीं, कहते ऋषि चली जितने बड़े बड़े ऋषि होने ये गोपी बन करके आए, फिर मुनिचरी और वेद का जो मंत्र ये लोग भी कठोर तपस्या की भगवान की। जब भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए ठाकुर जी बोले क्या चाहते हो, बोले गोपी भाव से पाना चाहते हैं, बोले तुम सबके सब द्वापर युग में गोपी बन कर जाओ, जितने ऋषि मुनि वेद का मंत्र है ये सब के सब गोपी है, इसलिए गोपियों को लड़की मत समझो, नहीं तो शंकर जी गोपी बन कर क्यों रास दर्शन कर लिया है। अगर गोपियां कोई लड़की होती शंकर जी फिर क्यों गोपी बने, इसलिए गोपी मतलब क्या है, बोले गो मतलब होता है इंद्रियां, पी मतलब पीना, जो नित्य निरंतर इंद्रियों को द्वारा कृष्ण भक्ति रस को जो पान करते हैं ये सबके सब व्रज की गोपियां, ये कोई लड़की नहीं है। इसलिए कितना हो गया, सात हो गया, छह ने सात हो, दो का होता है ऋषियों ने और वेद का ऋचाओं ने। फिर इसका जो आठवां कारण है, जिस समय भगवान राम जनकपुरी में गए, जब प्रभु जनकपुरी में जाते हैं पहले जनक महाराज ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्म मतलब होता है वो भगवान को निराकार निराकार मानते थे, कौन जनक महाराज, भगवान का निराकार है। लेकिन जब राम लक्ष्मण गए, राम को रूप देख करके गोस्वामी जी कहते हैं बोले इन्हें बिलो कत आती हर सीता, इन्हें बिलो कत आती हर सीता, इन्हें बिलो कत आती हर सीता, हर सीता।
इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जब राम को देखा ना उनको ब्रह्म ब्रह्म निराकार निराकार बोल रहे थे, इनकी मन से अपने आप खत्म हो गया, इनका मन एकदम प्रभु राम रूप में ही डूब गया। वो समझ गए कि जो राम है ये ब्रह्म नहीं, ये कौन है, परम ब्रह्म है। क्योंकि जब से इनको देखा मेरे मन से अपने आप ब्रह्म खत्म हो गया। वो समझ गए ये धनुष तोड़ेगा तो यही तोड़ सकता। फिर उन्होंने राम लक्ष्मण बड़े सुंदर सुंदर थे देखने में, कम उम्र के थे, अभी जानकी की क्या हो रही थी, धनुष बंद होगा, जो धनुष को तोड़ेगा उठाएगा उसको साथ में राम की शादी होगी, हैं, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। अब देख लेना जब किसी लड़की की शादी की उम्र हो जाती है, उसको पिता माता जब किसी सुंदर किसी लड़के को देखे उनकी भावना मन में क्या भावना आती है, अगर हमारी बेटी के लिए बेटा होता तो अच्छा रहता, आती कि नहीं। बेटी अगर सियानी हो गई बड़ी हो गई, उसको पिता माता की नज़र हर जगह पर रहती है, हमारी बेटी के लिए कोई अच्छे पति मिले। इतने में जब उन्होंने राम लक्ष्मण को देखा, देख करके अभी मन मन में सोच रहे हैं मेरी बेटी जितने सुंदर है ना, ये राम भी इतना सुंदर, लक्ष्मण भी, अगर मेरी बेटी के लिए होता तो कितना बढ़िया होता। फिर सोच रहे इतना छोटे बालक, फिर सोच रहे हैं पूछे ये कौन सा जाति के हैं, इनका जात क्या। उन्होंने बोले ये श्री दशरथ महाराज का बेटा है, दशरथ महाराज का, दशरथ क्षत्रिय, जनक महाराज भी क्षत्रिय। बोले भैया काम बन सकती है, क्या बन सकती है, बोले काम बन सकती है, बेटे मेरे बेटे के लिए बन सकते हैं। फिर सोच रहे हैं इतना छोटा नन्हे मन्ने बच्चे, छोटे बच्चे हैं, और धनुष इतना बड़ा धनुष था, शिव धनुष, कभी जिसको 400 व्यक्ति उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। बोले इतना छोटा बच्चा आप कैसे धनुष तोड़ेगा। फिर उन्होंने देखा उन्होंने सुना इसने क्या तारका को भी मारा है, किसको मारा, ये तारका को भी मारा है, और मारी की सुभाई को भी उन्होंने मारा है। बोले भैया हो सकता है देखने में तो छोटे है लेकिन खोटे भी है, हो सकता है बेटी को साथ में बन सकती है। तब उन्होंने श्री राम लक्ष्मण और किसको श्री विश्वामित्र को कहाँ पर रखवाए, ये दोनों को लेकर के उन्हें रखवा दिया। वो सीता के लिए जो वाटिका थी ना उसी वाटिका में रखे। तब टीकाकार कहते हैं बोले वहाँ पर क्यों रखे, बोले सीता देवी कौन, बोले ये भक्ति देवी, कौन है, भगवान की निवास कहाँ पर, भक्ति में तो भगवान की निवास है ना, भक्ति में भगवान की निवास है, इसलिए उन्होंने सीता जी की वाटिका में ही उन्होंने राम लक्ष्मण को वहीं पर दिए। जब वहीं पर दिए इतने में उपयुक्त समय देख करके श्री दशरथ श्री विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को बोले बोले काम कर, बोले किया, बोले मैं ठाकुर को पूजा करना चाहता हूँ, जाओ थोड़ी सी वाटिका से पुष्प चयन करके ले आओ। जब राम लक्ष्मण पुष्प चयन करने के लिए गए वो वर्णना करते हैं वहाँ के एक वृक्ष भी सूखा नहीं था, एक लता भी सूखी नहीं थी, सब के सब हरी भरी थी। होता है ना किसी बगीचा में कोई पेड़ सूखा कोई लता सूखा कोई हरी भरी, लेकिन वहाँ पर पूरा का पूरा हरी भरी थी। बोले क्यों, चूंकि वो जो बाग है ये माता सीता जी की लक्ष्मी की और श्री जानक की बगीचा है, हैं लक्ष्मी देवी की, वहाँ पर तो कभी कोई सूखा रह नहीं सकता है, वो तो हरी भरी रहेगी, जो सीता जी के आश्रम में रहेगा वो तो हरी भरी रहेगी ना, तो थोड़ी सुविधा हो सकती है, वो हरी भरी रहेगी। इतने में जब वहाँ पर राम लक्ष्मण गए अंदर में प्रवेश करना चाह रहे थे, इतने में वहाँ पर माली था, बोले भैया अंदर में प्रवेश नहीं कर सकते हो। बोले क्यों, बोले अगर अंदर में प्रवेश करना चाहते हो पहले हमारी सीता माता की जयकार करना पड़ेगा। बोले श्री सिया देवी की, लक्ष्मण बोले भैया हम सीता की जयकार नहीं देंगे, हम जय तक देंगे श्री राम की जयकार देंगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, लेकिन ये माली कहता है नहीं ये सीता जी की बाग है, अंदर में प्रवेश करने के लिए तो सीता जी की जयकार देना ही पड़ेगा। इतने में राम कह रहे लक्ष्मण दे दो ना, पहले तो घुसने नहीं दे रहे, अगर सीता जी की जयकार देने पर प्रवेश होगा तो उसमें बुराई की आई, बात दे दो सीता जी की जयकार। तब उन्होंने लक्ष्मण जी बोले बोले सीता मैया की, लेकिन जब वो अंदर में प्रवेश करते हैं ना वहाँ पर टीकाकार लोग कहते हैं
भगवान के नाम पुष्प चयन नहीं कर रहे थे, ये पुष्प स्वयं प्रभु के हाथ में समर्पित हो रहे थे। बोले क्यों? हाँ ये चीज को समझो, मैं पूछूंगा क्यों समर्पित हो रहे थे, क्योंकि माता सीता की प्रकट क्यों कहां से हुआ है? बोले बता, माता सीता जी कहां से प्रकट हुई? बोलो धरती से, पृथ्वी से, पृथ्वी से। इसलिए राम की शादी होगी सीता जी से, फिर ये पृथ्वी क्या लगेगी राम की? सासुमा, सासुमा लगेगी। और ये जो वृक्ष होगी सासुमा, ये जो पेड़ कौन? उनका बेटा, ये बेटा हो गया पेड़। राम के साथ पे पेड़ का संबंध किया, साला सा है, साला साला है ना। जैसे घर में कोई दामाद आता है, आप दामाद से कोई काम करवाते ना, दामाद की सेवा करते हो, बताओ सेवा करते हैं। इसलिए जब ये वृक्ष क्या हो गए प्रभु राम की? साला। अगर दामाद आए साला से कोई सेवा करवाएंगे नहीं। इसलिए ये स्वयं वृक्ष क्या कर रहे थे? प्रभु राम के हाथ में समर्पित हो रहे थे। लेकिन जब प्रभु राम के हाथ में वो खिले खिले फूल ही समर्पित हो रहे थे, लेकिन जो अधखिले जो कलियां थी ना, वो तो रोना शुरू कर दी। पीछे पीछे लक्ष्मण चल रहे थे, बोले भैया क्यों रो रहे हैं? बोले रोएंगे नहीं जासेंगे। बोले बताओ रो रहे क्यों? बोले ठाकुर तो केवल खिले हुए फूल की जय कर रहे हैं, हम तो अधखिले कली हैं। आज अगर हम खिले हुए होते तो हम भी प्रभु राम की सेवा में लग जाते। लक्ष्मण बोले चिंता क्यों कर, तुम्हें हूं ना, मैं तुमको प्रभु का सेवा में लगाऊंगा। इतने में लक्ष्मण ने जितने अधखिले कलियां थी ना तोड़ना शुरू किया। अरे तोड़ करके बोले प्रभु राम को, बोले प्रभु आज मेरी मन में इच्छा है अपना हाथों से आपको ये कुंज में श्रृंगार करने के लिए। बोले कोई बात नहीं श्रृंगार करो। इतने में लक्ष्मण ने जो अधखिले जो कलियां थी उसमें बड़े सुंदर गुच्छा बनाए और प्रभु को चोटी को बड़े सुंदर श्रृंगार किया। लेकिन जो खिले हुए फूल कहाँ पर? बोले प्रभु का हाथों में। लेकिन अधखिले कली कहाँ पर? बोले श्री भगवान की चोटी में। बोले मतलब क्या? ये चीज को समझो, अधखिले मतलब होता है भले ही हमारी अंदर में कोई भी योग्यता नहीं हो, कोई भी योग्यता नहीं हो। लक्ष्मण कौन? बोले गुरु जी, लक्ष्मण गुरु जी। अगर कोई व्यक्ति सदगुरु की शरण में चले जाए ना गुरु जी की, वो अधखिले होने पर भी तुम्हारी अंदर में भले ही कोई योग्यता नहीं हो, लेकिन जब श्री गुरु जी की शरण में जाते हैं, गुरु जी हमें क्या करते हैं? भगवान की सेवा में लगा देते हैं। ठाकुर जी सेवा में हमें स्वीकार कर लेते हैं, हैं? इतने में वही पर माता सीता जी को साथ में किसके राम की साक्षात्कार हुई। सीता भी समझ गई है मेरे प्रभु है, राम भी समझ गई है मेरी शक्ति है, ये मेरी शक्ति है। अब वहां पर क्या हुआ? वहां पर जो धनुष यज्ञ हो रहा था, बड़े बड़े राजा लोग वहां पर आए हुए थे, कहते रावण भी आया था। जनक महाराज ने बोले मेरी जो प्रतिज्ञा है ये शिव धनुष को जो उठा करके उसमें प्रत्यंचा चढ़ा दे, मेरी बेटी जानकी को साथ में उसकी शादी होएगी, हैं? उनको साथ में शादी होएगी। प्रभु भजन जो कुछ आ रही हो गा सकते हैं ना, मैं बोलूंगा बदलगा हरे कृष्णा। इसलिए शादी होएगी। रावण भी कोशिश की, कहते वो धनुष इतना बड़ा था, रावण ने बहुत कोशिश की, हाथ तो किसी तरह से अंदर में फंसाया, लेकिन हाथ ऐसे फंस गया हाथ निकाल नहीं पाया। समझो धनुष कितना बड़ा होगा, फिर किसी तरह से उसने हाथ को निकाले, कोई भी टस से मस नहीं कर पाया। लेकिन वहां पर जनक महाराज बैठे हुए थे, वो देख रहे थे, जो उठाएगा तो वो चुपचाप बैठा हुआ, और जो नहीं उठा पाएगा ना वही कोशिश कर रहे हैं। ये दुनिया का यही नीति है, जो कर सकता है तो चुपचाप बैठता है, जो नहीं कर पाएंगे वही कोशिश करते हैं। इतने में जब किसी तरह से उठा नहीं पाए, गोस्वामी जी कहते हैं भैया झंडा कहाँ रहता है? बोले डंडे के ऊपर झंडा रहता है। बोले ये डंडा स्वरूप कौन? बोले लक्ष्मण। बोले झंडा स्वरूप कौन? बोले राम। पहले डंडा उठेगा तब तो फिर झंडा उठेगा ना, इसी तरह से किसी तरह से लक्ष्मण को खड़े कर दो, फिर तो राम उठेगा नहीं तो उठेगा नहीं। इतने में जनक महाराज जान बुझ करके छोटी छिड़कान करती, बोले लगता है ये पृथ्वी तो वीर शून्य हो गया है, जिस धनुष को मेरी बेटी एक हाथ से उठा लेती है, यहाँ पर कितने बड़े बड़े राजा बैठे हुए, कोई टस से मस्तक भी नहीं कर पाए।
लगता है पृथ्वी वीर सुन्न हो गया जब इतना बोले। लक्ष्मण कौन है? शेषाई, शेषनाग। लक्ष्मण कौन? शेषनाग। अब देखना ना, एक मणिधर सर्प होता है जिसके सर पर मणि रहती है, अगर वो मणि को कोई छेड़ देना है तो वो सांप उसको छोड़ देने खा जाती है। इसलिए लक्ष्मण कौन हो गए? ये लक्ष्मण हो गए शेषनाग। मणि कौन? भगवान राम। अगर राम को अगर कोई छेड़ दिया ना, लक्ष्मण कभी सहन नहीं करते हैं। इतने लक्ष्मण खड़े हो गए, बोले महाराज जनक चुप बैठो, इतने बड़ी भारी बात। हम बचपन में खेलते खेलते ऐसे कितने धनुष को तोड़ दिए हैं, अब तो पता नहीं यहाँ पर कौन बैठे हुए। मेरे प्रभु साक्षात बैठे, भगवान राम बैठे हैं। अगर आदेश दोगे तो ये धनुष को क्या बात, ये पृथ्वी को भी मैं कच्चा घड़ा के भांति चकनाचूर कर सकता हूँ और उसको लेकर के 100 क्रोश तक भाग सकता हूँ। क्यों? वो अपना फण को ऊपर में लक्ष्मण जी ये पृथ्वी को धारण करके रखे। जब इतना क्रोधित हो गया, इतने में राम को ले लक्ष्मण चुप बैठ जा, मेरे को पता तू धारणधार अनंत देव है, इसलिए यहाँ गुरु जी बैठे है ना, इसलिए मेरे को पता है तू उसको उठा सकते हो, लेकिन अगर तू उठाओगे तो मेरा क्या होगा? जो उठाएगा उसको साथ में साथ ही होगी ना। अगर तू उठाओगे तो फिर मेरी क्या होगा? चुपचाप बैठ जा। जब चुपचाप बैठ गए, इतने में गुरु जी उपयुक्त समय दे करके बोले बेटा राम जाओ बेटा, ये धनुष को उठाओ और जनक महाराज का हृदय में जो ताप है ये ताप को दूर करो। अभी गुरु जी की आदेश पा करके भगवान राम धीरे धीरे आगे चल रहे। माता जाने के सामने खड़ी हुई, बरमाला लेकर सामने खड़ी हुई, नहीं वहां पर है, इसलिए वहां पर खड़ी हुई जानकी बरमाला लेकर के वहां खड़ी हुई है। इतने में जब प्रभु राम धीरे धीरे आगे चल रहे थे, इतने में जो मैया सीता है ना, वो बड़ी दुखी हो रही थी। बोले क्यों? बोले इतना छोटा बालक क्या ये धनुष को उठा पाएगा? अगर ये उठा नहीं पाएगा तो मेरी क्या होगी? बोले जानकी के मन में शंका थी वहां पर। बोले कारण है, जब भगवान राम सवेरे पुष्प चयन करने गए थे, वो पुष्प चयन नहीं कर रहे थे, पुष्प स्वयं समर्पित हो रहे थे, लेकिन प्रभु इतने कोमल अंग ठाकुर जी की, सवेरे का समय थी, मंद सुमंद हवा बह रही थी, उसी समय में भी प्रभु राम का शरीर से पसीना टपक रहा था। मतलब भगवान राम इतने कोमल अंग, इतने छोटे बच्चे हैं, बोले ये क्या धनुष को उठा पाएंगे? अगर ये धनुष नहीं उठा पाएंगे तो मेरी क्या होगी? इसलिए मानव जानकी ना प्राण त्याग करके जा रहे थे। भगवान समझ गए जानकी की मन की भाव, बोले का वर्षा जब कृषि सुखाई, अरे धनुष क्यों उठाना चाहता हूँ? सीता के लिए ना। अगर सीता ही अगर पहले शरीर त्याग दी, फिर धनुष उठाने का कोई मतलब थोड़ी रह जाएगा। इतने में उन्होंने सीता जी की भावना को समझ करके फिर जल्दी जल्दी आगे चले, जल्दी जल्दी आगे गए। पता नहीं कब धनुष को उठाए और उन्हें उठा करके जब प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए गए, इतने में धनुष दो टुकड़े हो गए। जनक महाराज इतने प्रसन्न हो गए, बोले सुनैना जल्दी जल्दी सीता को लेकर के आओ। अभी मैया सीता माला लेकर के आई है, ठाकुर जी की गला में पहनाना चाहती, लेकिन मैया सीता कितने बड़ी, बोले राम की तबियत। फिर रामचंद्र मुकुट पहने है ना, फिर मुकुट पहने के सर भी ऊंचा और माँ सीता तो कंधे तक। अभी जब उन्होंने ऐसे माला पहनाने के लिए गई, हाथ नहीं पहुंच रही, हाथ नहीं पहुंच रही है। इतने में जो सीता जी की जो साथ में जो सहेलियां थी, इतने में उन्होंने राम की कान में धीरे धीरे बोली, बोले राम थोड़ी सी सर को झुका दो ना। बोले क्या? सर झुका दूं? तुमको पता है मैं किसका बेटा हूँ? दशरथ महाराज। दशरथ मतलब क्या? जिनकी 10 दिशाओं में रथ चलता था, इतने प्रभावी थे दशरथ महाराज। जब इंद्रलोक में जाते थे, नियम है जो 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा वही इंद्रपद को ग्रहण कर सकता है, लेकिन इतने प्रभावी थे जब जाते थे स्वर्गलोक में, स्वयं इंद्र इनका आधा आसन छोड़ देता था, इतने पराक्रमी थे। इसलिए इनका नाम था दशरथ, जो 10 दिशाओं में जिनकी रथ चलती थी, इतने प्रभावी मान। बोले मैं दशरथ राजा का बेटा हूँ, हमारी वंश में
कोई भी दूसरे की चरण में कोई सर नहीं झुकाए। अभी तक शादी नहीं हुई कहते सर झुका दो, सीता भैया मैं सर झुकाने वाला नहीं हूँ। और ऐसे ही खड़े, जब खड़े रहे इतने में जो सखियां थी, इतने में लक्ष्मण को बोले, बोले लक्ष्मण तेरे को कुछ करना पड़ेगा। बोले क्या करूँ? बोले देख सुन ध्यान से, बोले बताओ। बोले देखो तू अगर हमारी एक काम करोगे ना, हम भी तेरा एक काम कर देंगे। बोले बताओ क्या करना? बोले ये सीता जैसे सुंदरी, उसकी एक छोटी बहन जिसका नाम उर्मिला, वो भी उतना सुंदरी है, वो भी इतना सुंदरी है, तो हमारी काम कर, तुम्हारी हम काम कर देंगे। जब ये बात लक्ष्मण सुने ना, जब ये बात को ये लक्ष्मण सुने, जब उन्होंने देखा शादी की बात आ गई ना, लक्ष्मण बोले भैया मेरे को कुछ करना पड़ेगा, भाई मेरे कुछ करना पड़ेगा। इतने में भगवान राम ने लक्ष्मण को निर्देश देते हैं, पता बैठ जाओ खंड को बैठ। इसलिए लक्ष्मण को वो आदेश देते हैं, बोले लक्ष्मण तू कुछ कर। बोले प्रभु मैं क्या करूंगा? बोले देख तेरे भाभी को, तेरे भाभी को देख, माला लेकर खड़ी हुई है। बोले प्रभु यद्यपि लक्ष्मण कौन है? बोलो लक्ष्मण कौन है? ये पृथ्वी का स्वरूप श्री लक्ष्मण है। बोले यद्यपि मैं पृथ्वी स्वरूप हूँ, लेकिन ये पृथ्वी दो टुकड़े है नहीं, पृथ्वी एक ही है। अगर मैं पृथ्वी को ऊंचा करता हूँ, आप दोनों ऊंचा हो जाओ। अगर मैं पृथ्वी पर नीचा करता हूँ, पर दोनों ही नीचे हो जाओगे। बोले मैं क्या करूँ? बोले लक्ष्मण तू तो कुछ कर तू। इतने प्रभु की राम की मन की भावना को समझ करके इतने में लक्ष्मण प्रभु की चरणों को स्पर्श करने के लिए सर झुकाया। जब सर झुकाए ना, सर अभी जो सर झुकाएगा उसको तो उठाओगे ना। इतने में भगवान राम बोले लक्ष्मण तू क्या कर रहे हो, प्रणाम क्यों कर रहे हो? जब उसको उठाने के लिए गए, उनका सर झुक गया और झुकते ही माता सीता ने गले में जब उनके बरमाला डाल दिए। इतने में जो सखियां थी ना, उन लोगों ने टोंटी टोंटी किया। बोले क्यों लक्ष्मण जी, तेरे प्रभु का हार पहनना ही पड़ा। मतलब क्या? तेरे प्रभु का हार मानना ही पड़ा। लक्ष्मण कहते तुम लोग हार कहते हो, हम लोग कहते जय वाला। हमारे प्रभु ने जय वाला पहने, इसलिए थोड़ी हार पहने हैं। इसलिए बड़ी सुंदर लीला हुई। अभी प्रभु जी आपको एक सुंदर भजन सुनाएंगे।
Thank you.
जगत में आने का बहुत सारे कारण है। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे मथुरा में प्रकट हुए, आज हम लोग श्रवण करके कृष्ण कैसे